मिलने जाने की बड़ी इच्छा है, पर एक दो दिन से इधर उधर जाने में आ रहा है। तो बाप रे, रूम में जब आओ तब कुछ ना कुछ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज कैमरा भगवान वाले रूम में ही पड़ा था। भगवान वाले रूम में इसलिए पड़ा था क्योंकि कल सभ्य आया हुआ था, तो सभ्य बार बार कैमरे के साथ खेल रहा था, तो कहीं कैमरे में कुछ कर नहीं दे क्योंकि वो ले लेके घूम भी रहा था। तो मैंने छुपाने के लिए उसको भगवान वाले रूम में डाल दिया। तो भगवान वाले रूम से मैंने अभी सुबह रिसीव किया, पूरी रात वहीं पड़ा था क्योंकि मैं भी थक गई थी, तो रात को मैंने लिया ही नहीं वहाँ से। तो आप देख सकते हो अभी तो मेरी हालत कुछ ऐसी है। तो कल आए थे हमारे घर पे बुआ फुआजी और बुआ फुआजी की पूरी फैमिली, सो उस वजह से हम हो गए थे लेट, और लेट हो गए तो सोने में भी लेट हो गया, तो उठने में भी लेट हो गया, तो कैमरा वहाँ से मैंने रिसीव ही नहीं किया। और रात को मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे शावर लेके ही सोना पड़ा। अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मुझे शावर लेना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा थकान की वजह से मैं एकदम सो नहीं पाती हूँ। तो आज थोड़ा लेट उठे हैं, शेड्यूल भी थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी ब्रेकफास्ट और मेरा रेडी होना सब बाकी है। तो एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ। इतने दिन आपने देखा होगा कि व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं इसलिए आया था क्योंकि इतने टाइम से मुझे इच्छा नहीं हो रही थी, और क्या पता थोड़े दिन व्लॉग से मैंने छुट्टी ले ली। और व्लॉग नहीं करने का कारण मेन यही था कि मैंने व्लॉग से छुट्टी ली थी, वो मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने छुट्टी ली थी। पर अब से आपके पास कंटिन्यू व्लॉग आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो मुझे कितने जने, फंक्शंस भी थे अभी एक दो दिनों में, तो बहुत जने मिले तेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हम तो तेरे व्लॉग्स को बहुत मिस कर रहे हैं। तो डोंट वरी, अब कंटिन्यू व्लॉग आने वाले हैं तो आप मिस नहीं कर पाओगे व्लॉग को, और मज़े आएंगे आपको व्लॉग्स में। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी, और फिर लंच हमारे जो सुबह का काम है वो कंप्लीट करके फिर शॉप पे जाना है, क्योंकि शॉप भी बहुत ज़्यादा यानी डिस्टर्ब हो गई है मेरे इधर उधर जाने की वजह से, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बिज़नेस पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। और अभी शॉप पे जो गर्ल्स आ रही हैं सीखने के लिए उनको भी अब टाइम से टाइम सिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर मिट्टू तो मस्त सुबह सुबह गाने गा के इनके बेड हैं। ये मिट्टू राजा दो क्या किस मूड में रहते हैं, मम्मी वहाँ पर मस्त बातें कर रहे हैं, क्या पता किसी को फ़ोन पे। और आप देख सकते हो अभी बर्तन धुल चुके हैं क्योंकि संगीता आई थी, अगर नहीं आती तो मेरी तो खैर ही निकलनी थी। और हमेशा ऐसा ही होता है, जिस दिन बर्तन ज़्यादा होते हैं उस दिन संगीता नहीं आती है, पर आज ऐसा नहीं हुआ। आई होप संगीता आई और काम हो गया मेरा, नहीं तो सुबह का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। थोड़ा सा अभी रूम में मैं कर देती हूँ रीअरेंज क्योंकि चिको भी जस्ट उठे हैं, मैं तो कब से ही उठ गई हूँ, थोड़ा फ़ोन वगैरह और ऐसे चला रही थी। ब्रेकफास्ट हम दोनों का रेडी कर देती हूँ, नहा के अभी जस्ट मैं आई हूँ। चिकू की वॉच चार्ज पे लगी हुई है इसलिए मैंने मेरी वॉच नहीं रखी, पर 80% है आज तो चल जाएगी। और फेस वॉश करना बाकी है तो फेस वॉश कर देती हूँ मैं, मेरा फेस वॉश मेरा क्लियर बैलेंस का, ये कुछ इस टाइप का है और इसके अंदर झाग बिल्कुल भी नहीं होते। फेस वॉश डन। फेस क्लीन करने का नैपकिन, फेस क्लीन करने के लिए मैं नैपकिन अलग ही रखा हुआ है मैंने। अब आ जाती है मेरी स्किन केयर की बारी। अभी मैं क्लियर बैलेंस का जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ उसी का मैं टोनर भी यूज़ कर रही हूँ, और उसी का मैं डार्क स्पॉट रिमूवर भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि पैकिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप मेरे फेस पर देख सकते हो, बाकी कुछ टाइम पहले तो मेरे फेस पर इतने ज़्यादा एक्ने और एक्ने के स्कार्स रह रहे थे और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, उस वजह से मुझे मेरा फेस ही देखना पसंद नहीं था। पर अब मुझे मेरा फेस अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस प्रोडक्ट के, तो फटाक से मैं स्किन केयर कर देती हूँ मैं एक बार। अभी मंदिर की होगी साफ़ सफाई क्योंकि सारे फूल जो कल के चढ़े हुए वो सारे उतारूँगी, और सबसे पहले तो भगवान को नहलाऊँगी, फिर जो भी इनके वस्त्र हैं वो पहनाऊँगी, और फिर इत्र लगाऊँगी, इत्र जो कि भगवान को सब पसंद है ना, हमको पसंद होता है वैसे हर चीज़ करनी पड़ती है। तो माता जी के तो कपड़े मैं चेंज नहीं कराती, वो तो मम्मी कराते हैं, और कान्हा जी के रोज़ चेंज कराने होते हैं, और शिव जी को नहलाना होता, गणपति जी को, लक्ष्मी जी को, और यहाँ पर पूजा, तो मेरी पूजा मैं पूरी कर देती हूँ और फिर जो मेरी जो पूजा है वो कर दूँगी पूरी कम्प्लीट। पूजा कंप्लीट हो गई है, आज तो मैंने धूप की इसलिए थोड़ा धुआं हो गया है, मैंने मेरी माला भी कर ली है। और अब मेरा ये ट्राइपॉड ले लेती हूँ, यहाँ से ट्राइपॉड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे है ना ट्राइपॉड आज मैंने लगा के व्लॉगिंग चालू की, वापस लगा देती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सेफ़ रहता है कैमरा, मेरा कैमरा सेफ रहता है
और अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया, तो अब लगे हाथ लंच भी बना देती हूँ, लेट नहीं होती। हिमायरा बाहर से चाची चाची चिल्ला रही है। हिमायरा तो तैयार होके आ गई, बाहर आवाज लगा रही थी, हाय कर दो। तू कहाँ जा रही? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रही? बेल। हाँ? बेल। कहाँ? पापा शॉप। गई शॉप पे। काम। चलो जेजे कर दो, सोने काम से जेजे कर दो। चलो चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ, होगी जेजे। चाची तो बैठ के उठ गई, आ जाओ। चलो अब खाना बनाते हैं। खाना बनाते का लग गई, पप कर दो पप। ये आज आपने कौन सी फ्रॉक पहनी है? ये किसने, कौन लाया फ्रॉक, कौन लाया? मम्मा नहीं, नानी ने बनाई है। रेनी सीजन जैसे कि चालू हो गया है, तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि सूख नहीं पाते तो जल्दी जल्दी समेट भी नहीं पाते, तो थोड़े सूख गए हैं, तो ये समेट देती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन से तो बस इधर उधर भागने दौड़ने में ही लगे हुए हैं हम, इसलिए। और कपड़े समेटते समेटते मैं इतनी बुद्धू कि पूरे टाइम पंखा ऑफ ही था और मैं फालतू में गर्मी में मरी थी। अभी मुझे याद आया कि मुझे पंखा चालू करना है। सारे कपड़े समेटा गए, कुछ और है बाहर से, और कुछ है वो ले आते, नहीं तो इकट्ठे होते ही रहेंगे। अभी हम कर रहे हैं लंच, और लंच में कल की जो पनीर की सब्जी है वो हम खा रहे हैं, और दाल मम्मी ने फ्राई की है बहुत अच्छी, और ये रोटी। चिकू का खाना बाकी है, तो चिकू भी आ रहा है, मैं तो खाना चालू कर दिया। चिकू के खाना बाकी है, मैंने तो खा लिया। चिकू ने कहा कि मैं तुमको शॉप पे रख देता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले क्या हमारे यहाँ यहीं पर आसपास शॉप के बाहर ही बिजली गिरी थी, उस वजह से लाइट का क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वाईफाई भी उड़ गया, और अभी क्या सीधा चावल अंदर चला गया, दाना रे चला गया, वाईफाई भी उड़ गया है, कैमराज भी सारे उड़ गए हैं, तो अभी वही मेंटेनेंस में चल रहा है, तो बेचारे भूखे ही हैं। बुलाते ऊपर से, आज ट्राइपॉड लगाया है, उस वजह से मुझे कैमरा थोड़ा हैवी लग रहा है। अभी आ रहे चिको, अब कहाँ से निकलेंगे क्या पता, शॉप से ही निकले। मैं समझी अब ऊपर हो, व्यापार, जिस किसी को भी व्यापार एप्लीकेशन यूज करनी हो वो चिकू से कांटेक्ट करे। चेंज है दूसरी गाड़ी लेके जाए। बड़े दिनों के बाद सालों आ रही हूँ प्रॉपरली, ऐसा लग रहा है। कस्टमर से शॉप पे आने के बाद अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, और फ्री होने के बाद मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं साड़ी लाई हूँ, उसका ब्लाउज सिलवाना बाकी है, राखी पे पहनने का सोच रही हूँ। मेरे को अभी याद आया कि मैंने उस साल भी वाइट ही पहना था, और इस साल भी मैं वाइट ही वेयर करने वाली हूँ, पर वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में है, और राखी भी आने ही वाली है, महीना भर भी, महीना हाँ एक महीना तो है यार, मैं क्या इतनी जल्दी से तैयारी कर रही हूँ। राखी भी आने वाली है, और मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी, अभी थोड़ा ऑफ सीजन है तो मेकअप के ट्यूटोरियल भी मैं प्लान कर रही थी अभी बैठी बैठी, जो यश की शादी में मैंने सारी ड्रेसेस ली हैं उनके ऊपर आपको एक प्रॉपर एक मेकअप के ट्यूटोरियल आने वाले हैं। और आज रोशनी नहीं है तो हम थोड़े से हो गए बोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है तो मज़ा आ जाता है। बस सलोन की सफाई हो रही है क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है, और मैं भी बहुत दिनों के बाद यहाँ पर टाइम दे पा रही हूँ, तो थोड़ा वैक्सिंग वगैरह का जो भी है वो रीअरेंज कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत और भी काम है वो भी करती हूँ। आपको मेरा फेस कुछ डल सा लग रहा होगा, क्योंकि हम जो कल परसों गंगोज में गए थे, मेरे भुआ जी के वहाँ पे जो गंगा जल थे उसमें क्या यानी टैन हुआ है, मुझे पूरा फेस टैन हो गया है, और हाथों पर तो लिटरली, एक मिनट पकड़ना बताती हूँ मैं। हाथों पर तो आप देख सकते हो, दिख रहा होगा ये आपको, ये इसका कलर देख लो और इसका कलर देख लो, इतना ज़्यादा टैन हो चुका है। तो अब इस टैन को रिमूव करना है, तो कल तक प्लान करती हूँ पूरा बॉडी पॉलिशिंग लेने का, क्योंकि आज तो रोशनी है नहीं तो बॉडी पॉलिशिंग हो ही नहीं पाएगी, और पूरा फेस भी इतना ज़्यादा टैन हो चुका है, नेक वगैरह सब कंप्लीट काम हो नहीं रहा है, तो व्लॉग में भी मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि आज
आज क्या मैं बड़े दिनों के बाद शॉप पे आई हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है और थोड़ी मैं आलसी भी हूँ। हालांकि ये तो जो भी है मैं सच बता रही हूँ, थोड़ी सी मैं आलसी भी हूँ क्योंकि कभी छुट्टी अगर मिल जाती है तो सोचती हूँ क्या मस्त दिन निकला आज, छुट्टी मिली तो उसमें रेस्ट नहीं मिलता तो बड़ा गुस्सा आता है। तो शॉप पर आना भी मुझे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब मेरे भरोसे और मुझे ही करना है, क्योंकि तो वहाँ पर रहेंगे तो क्या ही कर लेंगे वो वहाँ पर, क्योंकि तो उस शॉप पे रहेंगे बेचारे, उधर भी उनको संभालना पड़ता है, इधर भी संभालना पड़ता है, बहुत कुछ तो वही मैनेज करते हैं। मैं तो बस ऊपर से देख सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। सलोन मैं मैनेज कर लेती हूँ, बाहर शॉप की सेल मैं देख लेती हूँ, बाकी सब तो उन्हीं को करना है। हालांकि आज जो मैंने ट्राइपॉड लगाया है पीछे आपको दिख रहा है, आज मुझे कैमरा इतना हेवी लग रहा है ना, हेवी लग रहा है तो बार बार ऐसे हो जाता है हाथ, और इतने दिन तो मैं ऐसे व्लॉग करती थी तो ऐसे व्लॉग में ट्राइपॉड का वेट नहीं लगता था, सिर्फ कैमरे का लगता था। फिर चिकू ने मुझे बोला कि नहीं क्योंकि अगर तू ट्राइपॉड से डायरेक्ट कैमरे से व्लॉग करती है तो कभी अगर कोई इमरजेंसी हो गया, फिर गिर विर गया तो पकड़ने के लिए तेरे पास कुछ और नहीं रहे, सिर्फ ये साइड में पकड़ती हूँ वही रहता है, जो ये चीज़ है वही रहती है। और अगर मैं पूरा ट्राइपॉड लेके चलती हूँ तो ये मेरे पास है पकड़ने के लिए, और कैमरे में सिर्फ इतना ही है, तो सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है। सो इसीलिए पूरा आज ट्राइपॉड लगाया है, ट्राइपॉड से ही व्लॉग करना सही रहेगा, मुझे भी ऐसा लगता है और चिकू को भी ऐसा लगता है। और अभी टाइम तो 4:30 हो रही है, क्या काम करती हूँ देखती हूँ, आगे शॉपर भी 2-3 बार जाके आ गई हूँ, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कल से पूरी व्यवस्थित रूटीन बैठ जाएगी। और बहुत दिन हो गए कल्याणपुर जाना है मुझे, भाभी भी गई है रहने के लिए पीरियड, तो अब तो मैं रहने तो नहीं जा सकती पर मिलने जाऊँ तो मम्मी पापा को मिलने जाने की बड़ी इच्छा है, पर 1-2 दिन से इधर उधर जाने में आ रहा है तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, देखते हैं 2-3 दिनों के बाद प्लान करते हैं। और मैंने मेहंदी लगाई है, वो आप देखो कितनी अजीब सी मेहंदी लगाई है, यानी अजीब सी क्या, ये मेहंदी सबसे अच्छी लगती है, हालांकि मुझे बहुत पसंद है, पर ये जो है इकट्ठी हो गई है क्योंकि जैसे ही लगाई हाथ मेरा ऐसा हो गया था, और चली भी गई है कितनी तो मेहंदी। कस्टमर थे तो अभी कस्टमर में ही थी मैं, अभी बाहर जाती हूँ अब, और टाइमिंग भी 6 बज गई है, जाओ अब आप करते हैं 6 हो गई है ना, इसलिए तो अब अपन भी आगे चलते हैं, थोड़ी देर आगे वाली शॉप पर बैठ के फिर घर चलेंगे। और सब्ज़ियाँ भी सारी घर पे ख़त्म है, तो हो सकता है तो आज सब्ज़ियाँ लेने मुझे जाना है तो सब्ज़ियाँ लेने जाऊँगी। साढ़े 6 बज रही है अभी और मस्त बारिश हो रही है बाहर, और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, लाइटें भी चली गई हैं, घर जाना है, पर चिकू सुबह के उसी काम में लगे हुए वाईफाई और कैमरास को ठीक करवाने में, तो मेरा जाना अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, सब्ज़ी अगर पे लेके जा नहीं सकती क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, जैसे कि अभी तो थोड़ी कम हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी फुल हो रही थी, तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो गया। मस्त बारिश के कब से खड़े हो जूते, तो अभी घर पर आ गए और क्या मस्त सा मौसम है, और मम्मी ये अंदर से गंगोज वाले घड़े निकाल रहे हैं जो गाड़ी के अंदर ही रह गए थे। तो सबके गड़े क्या हमारी गाड़ी में ही रख दिए थे क्योंकि कोई बस में आ रहा था कोई क्या था, तो सब जनों ने हमारी गाड़ी पूरी लोड कर दी थी, सबके साथ में ही घड़े आ गए थे, सब अलग अलग अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तुम शूज़ अंदर ही निकालती हूँ क्योंकि बाहर तो बारिश का मौसम है, रोज शूज़ भीग रहे हैं, उस वजह से पहन के भी जा नहीं पाती थी मैं। घड़े पूरे डिस्ट्रीब्यूट करके फिर खाने की तैयारी करते हैं, तो घड़े सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और मम्मी ने कहा कि आज तो खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे को मेरे हाथ की खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं भाती है, तो मैं चावल अभी भिगा देती हूँ, चावल भिगा के रख देती हूँ, सारी तैयारी करके दे दूँगी मम्मी को, मम्मी फ्राई कर देंगी क्योंकि मेरे को मेरे हाथ की खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं भा रही है अभी भी, तो मम्मी बनाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। एक बार पानी पी लेती हूँ थोड़ा, कल प्लेट्स वगैरह सब जो भी निकाली थी सारा बिखेरा है, सारा अवेयर ना है यार, क्लीन हो रहा है अभी तक, तो जब तक क्लीन होता है तब तक मैं अभी से थोड़ा सा पानी पी लेती, क्योंकि पानी मैंने पूरा पिया नहीं है। चावल तो भिगा दिए मैंने, चावल अच्छे से भिगते इतनी देर मम्मी के पास बैठती हूँ, थोड़ी बातें करती हूँ, बादल बरस गरज रहे, ओ बाप रे, तो रूम में जब आओ तब कुछ नहीं कुछ सरप्राइज। अब ये रूम में क्या पता क्या है, गॉड बॉक्स नहीं, गोडॉक्स शायद, फोटोग्राफी करने के लिए क्या कहते हैं इसको, फोटो बॉक्स है आई थिंक।
थोड़ी देर मम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर बैठ के बातें करी और साथ ही साथ रूम में जो बेडशीट थी वो भी चेंज कर दी, जो हॉल जो हमारा भगवान वाला रूम है ना उसके अंदर बेडशीट भी चेंज कर दी। यहाँ प्याज और ये सब कट करके रख दिया, लहसुन मम्मी ने छील दिया था तो मम्मी अभी फ्राई कर देंगे। थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने समेट दिया आज के, क्योंकि इतने दो तीन दिन के बहुत इकट्ठे पे इकट्ठे हुए जा रहे थे। और थोड़ी देर अब फ़ोन चलाती हूँ मैं। भाई मेरे को तो अब मेरे हाथ की खिचड़ी भाती नहीं है, तो मम्मी अभी खिचड़ी बना रहे हैं। अब मम्मी को तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, इनके हाथ की भा जाती है खिचड़ी। कैसे वो ना की दो मैं हूं तो ना ही मैं ना तो प्यार है। ये अनियन जा रही है अंदर, तो मसाला तो मैं और मम्मी दोनों जने इकट्ठे वाले ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरा लहसुन प्याज धनिया वगैरह सब मिक्स कर करके ये पूरा स्टोरेज करके फ्रिज में रख देते हैं। खिचड़ी बन चुकी है, तो अभी चिकू आए नहीं है शॉप से, तो अब जैसे ही शॉप पे आते हैं तो वैसे मैं लगा देती हूँ डिनर। और ये लजीज खिचड़ी बन के तैयार है, और अभी हम लंच डिनर कर देंगे सब जन साथ में मिलके। यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो आज का व्लॉग तो क्या मैंने शॉर्ट एंड सिंपल ही बनाया था, छोटा सा बनाया था। अब धीरे धीरे अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आएंगे, और यहीं पर व्लॉग का मैं समापन करती हूँ। आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।